नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीव अणु के अंतर्गत पुनः एक छोटे से प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, ग्लाइकोसाइड बंध क्या होता है? तो आइए इस छोटे से प्रश्न को हम संक्षिप्त में चित्र के माध्यम से जानें। तो ऑलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ जिस ईथर बंध से जुड़ी होती है उस ईथर बंध को ही ग्लाइकोसाइड बंध कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से जानें। जैसे माल्टोज, माल्टोज में दो इकाइयां आपस में ईथर अर्थात ईथर दोनों इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। तो अल्फा ग्लूकोसाइड बंध अर्थात दोनों इकाइयों को ईथर जोड़ने का कार्य करता है। इसी प्रकार से हम लैक्टोज का उदाहरण लें तो लैक्टोज में भी यहां पर दोनों इकाइयों के मध्य ईथर दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, पुनः संक्षिप्त में इस प्रकार से, ऑलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयां जिस ईथर बंध से जुड़ी रहती है, इस प्रकार से ये मोनोसैकेराइड की इकाइयां और ईथर बंध से आपस में जुड़ी हुई है। तो ऑलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयां जिस ईथर बंध से जुड़ी होती है या जुड़ी रहती है उसे ही ग्लाइकोसाइड बंध कहते हैं। तो हमने चित्र के माध्यम से इस छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को जाना। थैंक यू।